रूह की रुकावट में इसके अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत नाजिल कर दी है, नमाज को फर्ज कर दिया, रोजे को फर्ज कर दिया, जकात को फर्ज कर दिया, हज को फर्ज कर दिया, अखलाकियात फर्ज कर दिए। तो गोया कि हर इबादत की चूंकि अलग अलग खासियत है और इंसान की रूह की रिक्वायरमेंट है कि वो नमाज पढ़ के रूह की फला रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, रोजा रख के रूह की फला रिक्वायरमेंट पूरी करेगा और जकात देकर रूह की फला रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। अगर सिर्फ नमाज ही पढ़ता रहेगा तो वो काफी नहीं है, इसलिए रोजा, जकात और हज के जरिए से जो रूह की रिक्वायरमेंट पूरी होनी थी वो बाकी रह जाए।